हे गाइस, मैं हूँ शिमा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिमा स्टूडियो पे, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेकअप रिलेटेड वीडियोस। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप पास के बेल बटन को क्लिक करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, आज मैं बहुत ही ज़्यादा वायरल एस्टेट कॉम का रिव्यू करने जा रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको देखा होगा। जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसके लिए साइड में मैं एक वीडियो दे दूंगी, आप देख के समझ सकते हैं कि कितना जल्दी बालों को स्ट्रेट बनाता है। एक क्लेम कर रहा है कि बहुत अच्छे से बालों को स्ट्रेट करता है, मैनेजेबल बनाता है। तो मुझे भी देखना था कि एक्चुअली ये करता है नहीं, क्योंकि डेली बेसिस पे हम लोगों को हेयर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कुछ करना स्ट्रेट करना है तो टाइम लग जाता है, परमानेंट स्ट्रेट करना है तो बहुत कॉस्टली है। तो कुछ ऐसा जो जिससे जल्दी जल्दी हेयर स्ट्रेट हो जाए, मैनेज हो जाए हमारे बाल, तो इसलिए मैंने ये वाला जो ख़रीदा है, मैंने ख़रीदा है फ्लिपकार्ट से, और मुझे फ्लिपकार्ट से ऐसे एक पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है। मैं तो इसका कोई ब्रांड नहीं है, मैं प्रोडक्ट का डिटेल्स दिखा देती हूँ। इसके कहीं पर भी आपको कोई भी ब्रांड का नेम, लोगो कुछ भी नहीं दिखेगा। चलिए इसको ऑन करते हैं और ऑन करते देखते हैं कितना टाइम लगता है या नहीं। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो आपने भी परचेस किया या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आपके लिए काम किया या नहीं। इस पर प्लग इन करने पे यहाँ पे एक लाइट है जो अप डाउन हो रहा है, तो ये मैंने प्लग इन कर दिया है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे ऑन का बटन है और इस नीचे जो दो बटन है इस पर प्लस माइनस, तो आप टेम्परेचर को प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो यहाँ पे कुछ लाइट और एक्स्ट्रा यहाँ पे एटलीस्ट 1 2 3 4 5 लाइट और ऊपर एक लाइट जो ऑलरेडी चला हुआ है ऐसे करके दिया गया है। शायद प्लस करने पर आपको पूरा 5 जो लाइट है वो जल रहा है, वो भी अप डाउन हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा कम करूँगी। हाँ, यहाँ पे माइनस प्लस कर सकते हैं आप टेम्परेचर को, और मैं इसको टच कर रही हूँ। थोड़ा हल्का हीट मुझे फील हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक है। अच्छे से आपको शायद अंदर से मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अंदर एक एल्युमिनियम वाला एक पात है, बाहर पूरा प्लास्टिक है। कूल कर दूँगी ताकि जल्दी ये हीट हो जाए। तो इसे मैंने आज ही अपना हेयर जो है वॉश किया है, मैंने कोई कंडीशनर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, ताकि हेयर थोड़ा फ्रीजी लगे। और मेरा हेयर जो है आप देख सकते हैं स्ट्रेट ही है, बट थोड़ा बाउंस है हल्का इसमें। तो ये भी स्ट्रेट करता है या नहीं, मैनेजेबल बनाता है या नहीं, वो भी चेक करना है। तो अभी मुझे इसमें से एक हल्का मतलब हीट होने वाला जो एक स्मेल होता है, कुछ भी प्रोडक्ट हीट होने पर एक स्मेल आता है, तो मुझे सेम वैसा ही एक स्मेल आ रहा है। और देखते हैं चलिए कि ये मेरे बालों को मैनेज करता है, स्ट्रेट करता है या नहीं। आप में से कोई कोई बोलेगा कि मेरा बाल स्ट्रेट ही है, बट मैं देखना चाहती हूँ कि ये और ज़्यादा इसको मैनेजेबल बनाता है या नहीं। तो और एक बात मैं शेयर करूँ, एक कॉम स्ट्रेट है, तो मैं अलग से कोई कॉम भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, और मुझे ज़रूरत पड़े तब जाके मैं करूँगी। तो चलिए मैंने ऐसे करके डिवाइड कर लिया है फ्रंट के तरफ से, मैं इस हेयर पर थोड़ा ट्राई करूँगी। मेरे बाल मतलब लंबे हैं बहुत हद तक, तो मैं मुझे भी मैनेज करना नहीं होता जल्दी में, तो इससे अगर फ़ायदा होता है तो हमेशा से ही मैं ट्राई करती रहूँगी। तो अब चूँकि लग रहा है कि इनफ गर्म हो चुका है, सामने से देख पा रही हूँ इसमें से एक धुआं निकल रहा है, तो मैं इसको थोड़ा कम कर दूँगी, क्योंकि मुझे अपने बालों को जलाना नहीं है। तो मैंने सीरम अप्लाई कर लिया है, अब इसको नीचे की तरफ लेके जाना है। प्लास्टिक एकदम हल्का हीट है, मतलब अभी भी स्विच ऑन है, आप देख सकते हैं। मैंने फुल पे दिया है, बट मैं इसे टच कर सकती हूँ, बट नहीं, इस साइड पे गर्म है, बहुत गर्म है इस साइड पे, हीट हो रहा है, मतलब हेयर पे भी हीट आ रहा है। हीट हो रहा है, एक गर्मी महसूस हो रहा है, और हल्का हल्का धुआं भी नज़र आ रहा है मुझे। तो मेरे बाल हाँ ये मैनेज करता है, और पता नहीं शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत शाइन भी ऐड हुआ है। तो मैं इसको ऊपर से फिर से ट्राई करूँगी, थोड़ा निकालूँगी। एक्चुअली हुआ है, मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा पहले से मैनेज हुआ है, और ये क्वाइट हीट हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी
काम नहीं कर रहा, बट आप स्कैल्प पे मत टच कीजिए, थोड़ा गर्म है ताकि आपके स्कैल्प पे टच हो सकता है और स्कैल्प को जला सकता है। तो शायद आप देख सकते हैं कि अच्छे से इसने मेरे जो हेयर है उसको स्ट्रेट किया है, मतलब यहाँ से आपको यहाँ पे और इस जगह पे फर्क दिखेगा। वर्क कर रहा है अभी तक, तो मैं इस साइड का भी हेयर जो है, अभी आप हेयर का हाल देख सकते हैं, मेरे हेयर स्ट्रेट ही है, ज़्यादा उलझे नहीं है, कर्ल भी नहीं है बिल्कुल भी, बट ये है हेयर का हाल। और इस साइड का हेयर भी दिखा देती हूँ, ये थोड़ा बहुत मैनेजेबल लग रहे हैं, तो इस साइड पे भी ट्राई करते हैं। और पूरे ये वाले साइड का जो पूरा हेयर है मैं उस पर ही ये हेयर कॉम यूज़ करूँगी, तो देखते हैं रिजल्ट कैसा निकलता है। ये करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको थोड़ा पकड़ के रखना होगा, कभी कभी बीच बीच में इसके अंदर हेयर जाके हेयर टूट रहे हैं, बट एक दो हेयर वो तो वैसे भी हेयर स्ट्रेट करते वक्त भी टूटते हैं। ये उतना हीट आपको नहीं दे रहा जितना स्ट्रेट हुआ है। इसको ऐसे घुमा लेंगे और फिर इसको आप ऐसे करके भी कर सकते हैं, तो आपका जो एंड्स के हेयर हैं वो भी अच्छे से हो जाएंगे। सच में गाइज आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसने मतलब मैनेज किया है। मैं नहीं कहूँगी कि स्ट्रेट करने के जैसा होता है, एग्जैक्ट वैसा हुआ है, स्ट्रेट है ही तो इसको शायद इसलिए अच्छे से हो गया। तो एक बार कर्ल करके देखते हैं कि कर्ल करने के बाद भी ये अपने हेयर को क्या स्ट्रेट कर पाता है या नहीं। तो मैं इस हेयर को कर्ल करूँगी और फिर इसको टेस्ट करूँगी। तो मैं सब देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कर्ल कर लिया है और इसके ऊपर मैं ट्राई कर रही हूँ जो है ए स्ट्रेट कॉम्ब प्रोसेस से करूँगी। मैं थोड़ा इस पर टाइम दे रही हूँ, करके ही हम करेंगे इसको ऐसे। तो गाइस इसने पूरा एकदम से स्ट्रेट नहीं किया है, बट आप पहले का और अभी का अंतर देख सकते हैं। तो एक बार हम फिर से ट्राई करेंगे। मैं 3 टाइम ट्राई कर रही हूँ, अच्छे से ट्राई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, बट नहीं, इस पे हल्का वेव अभी भी है। तो इसको फिर से ट्राई करते हैं, पूरे हेयर को इसके अंदर देख के, फिर मैं ऐसे करके। पर नहीं गाइस आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत तो ये ओपन अप हुआ है, बट पूरा एकदम ही परफेक्ट जो स्ट्रेट है वो नहीं हुआ। तो मैं कुछ टाइम तक यहाँ पे होल्ड करूँगी, इतना हीट पे आप होल्ड ना करें। मैं बहुत बार कर रही हूँ और आपको दिखा देती हूँ, वहाँ से कि 5 पे ही है, हाई पे है, तो तभी भी इसका वर्क नहीं हो रहा, हेयर बहुत हीट हो गया है फिर भी ये नहीं हो रहा। तो गाइस रिजल्ट आप देख सकते हैं, इस साइड वाला स्ट्रेट है बट ये अभी तक वैसे का वैसा ही है और कुछ भी चेंजेस नहीं आया है। तो इतना अच्छे से काम नहीं किया, 50-50 चांसेस है आपका हेयर अगर स्ट्रेट है मेरी तरह, बस आपको इसको मैनेज करना है तो आप परचेस करें। बट आपका हेयर अगर कर ली है और आप उसको स्ट्रेट करने के लिए एक खरीदने वाले हैं तो बिल्कुल भी परचेस ना करें, आपके हेयर को स्ट्रेट बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो और रही बात, एक बात है बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात मैं शेयर करती हूँ, इस पर कहीं पर भी कोई ब्रांड कुछ भी नहीं लिखा है। मैंने फ्लिपकार्ट से 380 में इसको परचेस किया है, इसको मतलब आपको कोई भी रेंज में मिल जाएगा, मतलब मुझे उसी रेंज पे मिला। मैंने जैसा कलर ऑर्डर दिया था सेम वैसा ही कलर आया है, कलर पे कोई चेंज नहीं है। बट इस पर कहीं पे भी कोई लोगो ब्रांड या फिर इसके बॉक्स पे भी, मतलब ये बॉक्स पे भी कहीं पे भी कोई ब्रांड लोगो कुछ नहीं लिखा है। तो आप चाहे तो इसको, एक ख़राब हो जाता है तो आप चाहे भी तो कोई सर्विस के लिए या फिर कोई वारंटी कार्ड तो छोड़ ही दीजिए, कहीं पर भी आप भेज नहीं सकते इसको ठीक कराने के लिए। लोकल दुकान पर ठीक होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता अभी। तो आप अगर कुछ पैसा मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई कोई नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं 380 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसके लिए 380 भी इन्वेस्ट करना ज़्यादा ही इन्वेस्ट करना होता है खुद के ऊपर या फिर ऐसे किसी प्रोडक्ट के ऊपर। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अगर वीडियो देखें, आपको अच्छा लगे तो खरीद लीजिए, और 7 डे का रिटर्न ऑप्शन भी है फ्लिपकार्ट पे। तो आप एक बार ट्राई करके, आपको अच्छा ना लगे, आप पे काम नहीं हुआ, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं अच्छे से। तो हेयर कैसा है
है वो देख के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक होगा वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हेल्पफुल होता है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना है आपने भी परचेस किया या नहीं किया ये वाला, तो मुझे ज़रूर बताना आप पे कितना वर्क किया है कितना नहीं, आपकी हेयर स्ट्रेट है कर्ली है कुछ भी आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। और मेरे पास बहुत सारा स्ट्रेटनर कर्लर है जिसका रिव्यू भी मैं बहुत जल्दी करूँगी। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।